नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आजमगढ़ जिला के नैनी जोर मसूरिया पुरगांव में बॉलीवुड फिल्म मझधार की शूटिंग चल रही है। फिल्म निर्माता चंदपाल सिंह ने बताया कि यह फिल्म पूरी तरह से महिलाओं के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म के माध्यम से समाज को यह बताने की कोशिश की गई है कि आज के परिवेश में महिलाओं को किस तरह से अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, यानी कि अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। चंदपाल सिंह ने बताया कि हम फिल्म के कलाकारों को अपने इलाके में लाकर जहाँ फिल्म इंडस्ट्री को यह दिखाना चाहते हैं कि जो पिक्चर आप लोग स्टूडियो और पार्क में शूट करते हैं, प्राकृतिक ने ऐसे पार्क हमारे यहाँ नदी और तालाबों को किनारे दे रखा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मधुश्री शाह। मधुश्री शाह जी, ये बताइए कि आपको मझधार फिल्म में काम करके कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड किया गया है जो चंद्रपाल सर ने दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ ये काम करके। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग जो रोल होता है वो है। इससे समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? इसमें ये देना चाहते हैं कि जब बाहर से कोई लड़की आती है जिनके पीछे आगे पीछे कोई ना हो, जैसे उनके पेरेंट्स मर जाते हैं, भाई ना हो, तो उनके ऊपर कितने सारे आरोप लगाए जाते हैं, उनके टॉर्चर किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उन्हें मतलब गंदी नज़रों से देखे जाते हैं। तो सर, यही है कि एक लड़की को खुद कैसे सर्वाइव करती है, कैसे रहती है, कितना झेलती है, सर ये बताया गया है इसमें। और दो लड़कियां आपस में, ये कहानी जो मझधार है वो दो लड़कियों पे है जो बाहर से आती है और बहुत लड़ाई करती है एक दूसरे के लिए, अपने बहन को बचाने के लिए, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो सर बस यही है कि थैंक यू सो मच। हेलो जी, सबसे पहले मैं बोलूँगी मेरा नाम मेघा सक्सेना है और रियल लाइफ में मेरा नाम सन्नो है। इस फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली इसमें ये बताया है कि अकेली लड़की का आज के समाज में जीना बहुत मुश्किल है। उसके पास कोई ना कोई होना चाहिए, उसका साथी, चाहे भाई हो, दोस्त हो, पति हो, कोई ना कोई होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके। फिल्म में बहुत सारी, बहुत बड़ी टीम है हमारी और कॉपरेशन बहुत अच्छा है। चंदपाल सर के थ्रू मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज सबके सामने खड़ी हूँ। भाई आ रहा हो और आप लोग सब प्लीज़ ये मूवी देखने ज़रूर जाइए। कभी राजेश खन्ना धूम मचाए थे तो आज राजेश नाहर जी इस फिल्म में अपनी कला को, अपनी छटा को बिखेरने जा रहे हैं। आइए, ये फिल्म के नायक हैं, मझधार फिल्म के नायक हैं राजेश नाहर जी। हम जानना चाहेंगे राजेश नाहर जी से कि कैसा इस फिल्म में आपको काम करके लग रहा है और क्या देना चाहते हैं समाज को आप, राजेश जी। देखिए, ये जो फिल्म है मझधार, मझधार सी है कि डगमग, जो एक नाव होती है नदी में, जो नाव चलती है वो डगमग है, वो मझधार में फंसी हुई है। ऐसी हमारी जो लाइफ है, जैसा कि हमारे जो को एक्टर बताए, जो दो लड़कियां इसमें प्रमुख भूमिका में हैं, कैसे एक लड़की के लिए समाज में बिना उसके उसके उसकी फैमिली में अगर कोई नहीं है, अकेली लड़कियां हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है एक समाज में रहना, सर्वाइव करना। मैं इसमें एसआई का करेक्टर कर रहा हूं और मेरे करेक्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन होता है। तो मैं एक अच्छे पुलिस वाले का रोल यहाँ प्ले कर रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं से सन्नू की मदद करता हूँ और सन्नू की मदद करके सन्नू को एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ जहाँ पे जाके ये समाज से लड़ सके और समाज में फैली कुरीतियों को कम कर सके। बस। मैं मझधार फिल्म के प्रोड्यूसर निर्माता चंद्रपाल सिंह जी मेरे सामने मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा चंद्रपाल सिंह जी से कि इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? फिल्म मझधार है टाइटल, और मकसद यही है कि इंसान को जाना कहाँ है पता नहीं है, नदी के न उस पार न इस पार बीच में फंसा है इंसान। और चूँकि लोकेशन चाहिए तो लोकेशन, हम यहाँ आने का मकसद यही है कि हम यहीं के रहने वाले हैं और अपने ही जगह पे, अपने ही मिट्टी पे शूट करके एक आनंद ही अलग आता है। ये सबसे मतलब प्लस पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे आके काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, और जो बचपन में जो देख के गए थे जो यहाँ पे, वही कहीं ना कहीं सिनेमा के माध्यम से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने कलाकार यहाँ पे लोग हैं जिसके साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और आप लोगों का। इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगा, जो भोजपुरी फिल्म को कई बार अच्छी तरीके से परोसने की कोशिश किए हैं, खुद मेरे साथी हैं
एसपी सिंह आपका क्या नजरिया है इस फिल्म के बारे में? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे रहा हूँ कि आप अपना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं। और इस फिल्म के प्रति नज़रिया यही है कि एक हिंदी का ये आर्ट सिनेमा है, एक क्लासिक सिनेमा है और हर एक आर्टिस्ट की एक बहुत ही दिल इच्छा होती है वो भी सिनेमा के सबसे ऊँचे स्तर को चुनने की कोशिश करें। और इसमें इस फिल्म के जिससे पहले उन्होंने भोरी और लकीर के पति जैसी उत्कृष्ट फिल्में बनाई है, अमरपाल सिंह, इसके पहले इन्होंने भोरी और लकीर के पति जैसी उत्कृष्ट फिल्में बनाई है, अच्छा सिनेमा बनाया है। चंद्रपाल सिंह जी यहीं के रहने वाले हैं, अपने जिले के रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका कि शायद आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि सारे के सारे कलाकार, मात्र चार आर्टिस्ट जो मुंबई से आए हैं, बाकी सारे कलाकार इसी पूर्वांचल की धरती से हैं और यहीं पर ऑडिशन लेकर के उनको यहीं पे काम दिया गया है। ये इनका बहुत ही सराहनीय काम है कि मतलब यहाँ के कलाकारों को हिंदी सिनेमा को भी आर्ट सिनेमा में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों। सबसे पहले तो मैं सीआईबी इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूँ और मैं और पूरे जो कि मैं मेरी पूर्वांचल की पूरी टीम प्रोड्यूसर सर चंदपाल सर का बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि पूर्वांचल के प्रतिभा को परख के जो सराहनीय योगदान कहा जाएगा, सराहनीय काम जो इनका है, जो कि सभी लोगों को इस फिल्म में काम दिए और बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म जो है समाज में एक बहुत ही बढ़िया संदेश देगी और मैसेज देगी और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सीनियर एक्टर बड़े भैया सतप्रकाश जी का, जिन्होंने ऑडिशन करा के सारे कलाकारों को ब्रेक देने का काम किया। और बहुत बहुत खास तौर से आभारी हूँ हमारे चंदपाल सर का, जिन्होंने एक अच्छी मूवी का निर्माण कर रहे हैं और समाज में एक नंबर का मैसेज देगी। जय महाकाल। सीआईबी इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन ध्यानचंद यादव के साथ रोशन लाल।